और जेल में बंद सपा विधायक कासम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन के सरकारी अधिग्रहण की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इसी मामले में यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट जौहर ट्रस्ट की जमीन के अधिग्रहण के मामले में कोई आदेश जारी न करे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रामपुर जौहर ट्रस्ट मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की जौहर ट्रस्ट की 12.50 एकड़ भूमि को छोड़कर 471 एकड़ जमीन को यूपी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन आजम खान हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अविनाश, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जमीन अधिग्रहण जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो ठीक है। उसके बाद आज आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, जहां पे 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जब भी आजम खान को सुना जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सुना जाए, तब सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर पास करे। क्योंकि 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है तो आजम खान के वकील दलील रखेंगे कि इस तरीके से जो हाईकोर्ट का फैसला है वो गलत है, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय है वो गलत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि आखिर क्यों आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसकी जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है वो आखिर क्यों जायज है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब आगे कोई निर्णय देगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका। तो देखिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है कैविएट आजम खान की तरफ से। पूरा मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। जौहर ट्रस्ट की अधिकृत जमीन छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अधिकृत जो जमीन थी उसे सही माना था यूपी सरकार की तरफ से जो अधिकृत थी, लेकिन अब इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया आतंकी मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित करते हुए हमले की जांच कर रही एटीएस ने मुर्तजा पर यूएपीए लगा दिया है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। मुर्तजा पर यूएपीए की 16, 18, 20 और 40 धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा अब्बासी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया है और अब लखनऊ में इस केस की आगे सुनवाई। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश भर में छिड़ी बहस के बीच यूपी के श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा 85% बनाम 15% का मामला है। रघुराज सिंह ने कहा कि लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 15% लोग लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर 15% लोग लाउड स्पीकर के मुद्दे पर नहीं माने तो दूसरे समुदायों को भी रोकना मुश्किल होगा। रघुराज सिंह ने लाउड स्पीकर की इजाजत के मुद्दे पर कहा कि वो सीएम योगी से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि या तो सभी पक्षों को लाउड स्पीकर की छूट दी जाए या फिर हर जगह लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी जाए। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक संगठन ने 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी है। इस मुद्दे पर रघुराज सिंह ने कहा कि या तो प्रशासन अनुमति दे या सभी लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाए। हम टिट फॉर टैट करने वाले हैं, मोदी युग है, अब किसी के माइक लाल की हैसियत नहीं है। 85% बनाम 15% लोगों को खुश करने के लिए ये बयान उन्होंने दिया है, तो इस बयान को अपने पास रखें। 85% हमारे साथ है लोकशाही में, इसलिए भारत सरकार हमारी, प्रदेश की सरकारें हमारी।